मित्रों, आपने रेंचो का नाम तो अवश्य सुना होगा और इस पात्र वाली मूवी थ्री इडियट्स भी अवश्य देखी होगी। रेंचो या फुनसुक बांगड़ू का जो किरदार इस फिल्म में आपने देखा है वह और किसी का नहीं बल्कि लद्दाख क्षेत्र के स्टार एवं रेमन मैक्सेसे पुरस्कार के साथ ही रोलेक्स अवार्ड्स फॉर इंटरप्राइज तथा और भी न जाने कितने पुरस्कारों से सम्मानित श्री सोनम वांगचुक का किरदार है। सोनम वांगचुक एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने वाटर कंजर्वेशन के साथ ही क्लीन एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन लेस हार्वेस्टिंग ऑफ एनर्जी आदि कई महत्वपूर्ण विषयों पर स्वयं के रिसोर्सेज द्वारा ही कई ऐसे इनोवेशन किए हैं कि बड़े से बड़ा साइंटिस्ट भी अपने दांतों तले उंगली अवश्य दबा लेगा। इन्हीं रेंचो सर ने आइस स्तूपा के कॉन्सेप्ट को भी डिराइव किया है। दोस्तों, आपने ग्लेशियर का नाम तो अवश्य सुना होगा परंतु क्या आपने कभी आर्टिफिशियल ग्लेशियर या स्नो स्तूपा का नाम सुना है? यदि नहीं तो आइए आज हम इसी फिनोमिना को समझने का प्रयास करते हैं। स्नो स्तूपा या आर्टिफिशियल ग्लेशियर एक प्रकार की ग्लेशियर ग्राफ्टिंग टेक्निक का प्रतिफल है। इसका सर्वप्रथम प्रयोग छोटे से पर्वतीय राज्य लद्दाख में शुरू किया गया था। लद्दाख को कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर में केवल 50 मिलीमीटर तक ही वर्षा होती है तथा इसके अतिरिक्त भूमि पर जल केवल बर्फ के रूप में ही आता है। लेकिन चूंकि बर्फबारी जाड़ों में ही अधिक होती है और जमी हुई मिट्टी के साथ बहुत कम एयर टेम्परेचर के कारण जाड़ों में किसी भी प्रकार की फसल को उगाना संभव नहीं हो पाता है, परंतु जब बसंत ऋतु आती है तथा मौसम सीड सोइंग के अनुकूल होने लगता है तब अधिकांश बर्फ पिघल कर जाती है और उसका रन ऑफ हो जाता है। दोस्तों, ऐसी परिस्थितियों में फसलों के लिए पानी की किल्लत एक आम बात हो जाती है। क्लाइमेट चेंज के कारण तो गर्मियां और भी गर्म होने लगी हैं तथा जल संकट और बढ़ने लगा है। सोनम वांगचुक ने लद्दाख के सबसे कम ऊंचाई वाले स्थान पर मई 2013 में एक पुल के नीचे जमी हुई बर्फ को देखा। उन्होंने सोचा कि इससे तो काफी अधिक ऊंचाई पर भी बर्फ कब के पिघल गई है, लेकिन चूंकि इस पुल के नीचे सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पा रही थी इसलिए बर्फ अभी पिघली नहीं थी, जबकि उस समय आउटसाइड टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चल रहा था। सोनम सर ने सोचा कि यदि बर्फ में सूर्य की रोशनी नहीं पड़े तो उस बर्फ के जल का प्रयोग तब किया जा सकता है जबकि उसकी वास्तव में आवश्यकता होती है और तब तक यह बर्फ के रूप में ही धरती पर संरक्षित रहेगी। उन्होंने सोचा कि अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सनसेट के कॉन्सेप्ट पर काम करना होगा ताकि वाटर सप्लाई बिना किसी मशीन के प्रयोग किए ग्रेविटी से ही हो जाए, क्योंकि पंप इत्यादि का प्रयोग पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। अक्टूबर 2013 में जब इस क्षेत्र में बर्फबारी होने लगी तो सनसेट एक चैलेंज था क्योंकि बर्फ के लिए इतना बड़ा सनसेट बना पाना संभव नहीं था। ऐसे में सोनम सर ने बर्फ एकत्र कर 20 फीट ऊंचा कोनिकल स्ट्रक्चर तैयार किया, वह भी बिना किसी सनसेट के, जो कि आइस स्तूपा का फर्स्ट प्रोटोटाइप था। इसका परीक्षण मई 2014 में किया गया तो देखा कि उसके आसपास की सारी बर्फ पिघल गई है, परंतु इस आइस स्तूपा या आर्टिफिशियल ग्लेशियर में 40,000 गैलन पानी अभी भी मौजूद था। यह सब कोनिकल शेप के कारण संभव हुआ क्योंकि ऐसे में मिनिमम सरफेस एरिया पर ही सूरज की किरणें पड़ रही थी, जिस कारण पिछले 6-7 महीने में बहुत ही कम बर्फ पिघली थी और अधिकतर बर्फ यहाँ पर सही सलामत थी। लद्दाख रीजन, जो कि पर्याप्त विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी और हाइड्रो एनर्जी डिराइव करता है, वहां पर जल संरक्षण का यह परीक्षण सफल होना एक सुखद एहसास था। लद्दाख को पर्याप्त मात्रा में जलापूर्ति किए जाने के लिए अब और अधिक आर्टिफिशियल ग्लेशियर या आइस स्तूपा बनाए जाने थे, जिसके लिए सोनम सर ने लोगों को अवेयर करना प्रारंभ किया। धीरे धीरे उनकी यह मुहिम रंग लाने लगी और बड़ी संख्या में स्नो कैनन्स तैयार किए जाने लगे। 2019 से तो लद्दाख में स्नो स्तूपा कंपटीशन भी प्रारंभ हो चुका है, जो कि वाटर कंजर्वेशन की मुहिम में एक मील का पत्थर साबित हो रहा है।
थैंक यू सोनम वांगचुक सर, जय हिंद।